हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आपको कोई स्पेशल रेसिपी या फिर कोई स्नैक्स या फिर कोई खाना बना के नहीं सिखा रही, मैं आपको दिखाऊंगी आज आटा कैसे गूंथते हैं। ये आटा गूंदने का कोई भी स्पेशल टेक्निक या फिर प्रोफेशनल तरीका नहीं है। मैं अपने घर में किस तरीके से आटा गूंदती हूँ, मैं बस वही बताऊँगी आज। तो मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा नमक, मैंने चम्मच में थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। थोड़ा सा मैं नमक लेके इस तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बारी में हम पानी नहीं डालेंगे। मेरे घर में रोटी सिर्फ मैं ही बनाती हूँ, मम्मा सब्ज़ी बना देती है तो रोटी वाला डिपार्टमेंट मेरा है। तो आटा गूंद गूंद के ना मेरे को आदत अच्छी सी हो गई है बहुत मस्त सी रोटी बनाने की, बहुत ही सॉफ्ट मेरी रोटी बन के तैयार होती है। और इसी तरीके से एक बारी में हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से इसको नीट करते रहेंगे। ओके, घर में तो जिस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ और आटा गूंथती हूँ तो मेरी रोटी अच्छी खासी तो फूल जाती है, बट आई रियली होप कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरी रोटी अच्छे से फूल जाए। ओके, अगर आप बिगनर हो ना तो डेफिनेटली आपके ना हाथ में इस तरीके से आटा, इससे काफ़ी ज़्यादा आटा आपके हाथ में रह जाएगा, बट मैं को आदत हो रखी है तो इस वजह से ये अच्छे से आपको ना प्रैक्टिस कर करके आदत हो जाएगी अच्छे से किस तरीके से आटे को गूंदना करते हैं। और ये हाथ में हमारा थोड़ा सा भी आटा नहीं रहता, जिस तरीके से मैस होता है ना, ये देखो कितना साफ़ है। और इसी तरीके से ये मेरा आटा गूंद चुका है, देखो इतना सॉफ्ट। इसी तरीके से हमें ये मतलब पानी डालना था, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। और अब क्या करेंगे, मैं इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रखूँगी। रोटी बनाने से पहले मैं इसे ढक के रखती हूँ जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट बने। तो मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक दूँगी, उसके बाद मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊँगी। ओके, 15 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेंगे। और देखो कितना अच्छा ये सॉफ्ट सॉफ्ट बाउंसी हो गया है। सो, अब हम ये वाला एरिया थोड़ा साफ़ कर लेंगे, मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी। ओके, मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक मैट बिछा लिया है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मैं चकली पे नहीं बनाती, मैं यहाँ पे इस तरीके से ये बिछा लेती हूँ। और ये हम अब ले लेंगे आटे को इस तरीके से, एक बार टाइट से हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे या नीट कर लेंगे। तो अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से उठाएँगे, पूरा एक बारी में नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम गोला बनाएंगे इस तरीके से। ये वाला साइज परफेक्ट साइज है रोटी खाने के लिए। इसी तरीके से मैं बाकी सब भी रेडी कर लूँगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी एक ही साइज़ में हम सारे आटे को इस तरीके से छोटे छोटे गोले में बनाएं। अब हम लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से थोड़ा सा आटा, हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके हम प्रेस करेंगे पहले, और हम बेलन ले लेंगे और इस तरीके से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते रहेंगे। एक बारी में देखने से नहीं आएगा, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से इजी पड़ेगा आपको बनाने के लिए। धीरे धीरे हम इस तरीके से चारों ओर से गोल करते रहेंगे, थोड़ा सा जैसे इस तरीके से मेरा यहाँ पर मुड़ गया था, हम उसको ठीक कर लेंगे। एक और बार आटे में एक बार कोट कर लेंगे और वापस इसको इस तरीके से हल्के हाथों से गोल गोल करते रहेंगे। थोड़ा सा आटा डाल लेने से हमारा रोटी अच्छे से गोल चारों ओर से घूमता रहता है, तो हमारा आटा भी अच्छे से, रोटी अच्छे से गोल बनती है। और इसी तरीके से आप देखिए कितना सुंदर हमारा ये गोल बन के तैयार है। परफेक्ट गोल नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो सुंदर है, खाने लायक जिसे कहते हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी बना के भी तैयार कर लूँगी। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हल्के हाथों से हम करेंगे, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करेंगे जिससे कि हमारा रोटी पतला ना हो जाए ज़्यादा। इस तरीके से चारों ओर से हम बेलन से रोटी को फैलाते जाएंगे और हमारा इवनली हमारा आटा, हमारी रोटी गोल बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये वाला मेरा परफेक्ट गोल नहीं बना, बट हमें इवनली चारों ओर से, मतलब चारों ओर क्या, गोल तरीके से हमें इसे पूरा पतला करना था। और इसी तरीके से मैं बाकी भी बना के तैयार कर लूँगी। आप जैसे देख सकते हैं ये वाली रोटी मेरी अच्छे से गोल बनी है, ये मैंने ही बनाई है। ये मत बोलना कि मेरी मम्मा ने बनाया कैमरा के पीछे, ये थोड़ा मैं साइड से होके बना रही थी तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। अब मैंने कैमरा का स्टैंड हटा के इस तरीके से बनाया तो मेरा इवनली गोल हुआ है। अब मैं आपको रोटी सेक के दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं।
अब हम ले लेंगे एक तवा, तवा को हम हल्का सा गरम करेंगे और डाल देंगे इसमें रोटी। थोड़ा सा नीचे की तरफ हम सिकने देंगे, फिर हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। जब इस तरीके से आपको दिखेगी फूलने लगे तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। हम एक बारी में पूरी तरीके से नीचे का हम सेकेंगे नहीं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है हम बंगालियों का, ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। जिस तरीके से आप देखें दोनों तरफ से हल्का सिक गया है, मैं एक और रोटी इसके ऊपर डाल दूंगी। मैं एक एक करके रोटी कभी नहीं बनाती, मेरी आदत है 4 से 6 रोटियों को एक साथ सेक के बनाना, और रोटी मेरी अच्छे से फूलती है, आप देखना ज़रूर एंड तक वीडियो को। चारों ओर से इस तरीके से फूलता हुआ दिखे तो हम एक बार चेंज कर लेंगे और इस तरीके से एक और बार कच्ची साइड को नीचे की तरफ रखेंगे। अब नीचे की साइड भी हमारा दोनों वाला जो हमारी ये रोटी है सिक गई है। अब तीसरी रोटी हम डालेंगे और पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये सॉफ्ट ब्राउन कलर आया है, ये जला नहीं है ना कच्चा रहेगा हमारा कुछ भी। 4 रोटी एक साथ सेकने पे ये हल्का सा सिक गया है। मैं वापस चेंज कर लूँगी साइड, कच्ची साइड को तवे के पास रखूँगी इस तरीके से। आप अगर लगातार इस तरीके से बनाते रहेंगे तो आपको टेक्निक पता लग जाएगी रोटी बनाने की, एक साथ 3 से 4 रोटी बनाने की। देखिए मैं इस तरीके से पलट पलट के से सेकूंगी। चारों रोटी को तवे में सेक लेने के बाद जो मेरा आखिरी कच्चा वाला साइड रहेगा मैं तवे में इस तरीके से रखूंगी और एक एक करके रोटी को सेकती जाऊंगी इस तरीके से। एक साइड फिर दूसरी साइड पलट लूंगी और देखो कितना ज़्यादा सुंदर ये फूल चुका है। मैं दोनों तरफ इस तरीके से सेक लूंगी जिससे अच्छी तरीके से ये कहीं से भी कच्ची ना रहे। कुछ ऐसे पलट पलट के इसको सेक लूंगी और देखो कितना सुंदर हमारा कलर आ गया है। ये मेरी रोटी रेडी है। इसमें मैं फटाफट से मक्खन लगा लूंगी। मैं आपको एक और सेक के दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं दबाऊंगी और दूसरी तरफ भी जो मेरे तवे में रोटी रखी हुई है वो मैं पलटती जाऊंगी जिससे कि वो जले ना, क्योंकि तवा हमारा गर्म है। ये भी सिक गया हमारा। इस तरीके से मैं पलट दूंगी। देखो ये वाले भी मेरी रोटी बनके तैयार हो गई, फूल गई अच्छे से, कहीं से भी कच्ची नहीं है। और ये आखिरी चौथी वाली रोटी भी हम सेक लेंगे। ये वाली तो बहुत ही जल्दी फूल के तैयार हो गई मेरी। अब इसमें हम जल्दी से लगा लेंगे मक्खन जिससे कि ये कड़क ना हो जाए, पापड़ ना बन जाए, और हम इसे सर्व कर लेंगे। मतलब अभी बॉक्स में डाल लेंगे हम कैसेरोल में, उसके बाद जब भी आपको गरम गरम रोटी खानी हो आप इसे सर्व कर लें। और देखो किस तरीके से हमारी सॉफ्ट रोटी बन के तैयार हुई है और कहीं से भी कच्ची नहीं है, चारों ओर से अच्छे से सिक गई है। सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।